कहानी की शुरुआत होती है यूरोप के एक जंगल में, जहाँ एक सुअर अपने मालिक के पिंजरे से छूटकर तेजी से भाग रहा था। वहीं पास ही एक सड़क पर सैम नाम का एक विदेशी बच्चा अपने पिता को ढूंढ रहा था, मगर वो आज तक उनसे मिला नहीं था। सैम को यहाँ की भाषा भी नहीं आती थी, इसलिए जो भी उसे मिलता वो उसे अपने पिता की तस्वीर दिखाकर पूछ लेता। उसे देखने के चक्कर में सैम की गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी सीधा जाकर सड़क के बीच में खड़े सुअर से टकरा गई। सैम ने तुरंत बाहर आकर देखा कि वो सुअर काफी जख्मी हो गया था, इसीलिए सैम ने उसे उठाकर अपनी गाड़ी में रखा और मदद ढूंढने के लिए निकल पड़ा। जल्द ही रात हो गई और वो एक स्टोर पर पहुंचा, पर वहाँ कोई भी नहीं था। फिर सैम ने उस बेचारे सुअर को देखा, पर वो अब तक मर चुका था। कुछ ही समय में सैम सुअर को दफनाने के लिए गड्ढा खोदने लगा तो अचानक उसे पेड़ों में से एक आवाज सुनाई दी। सैम ने देखा कि अंधेरे में कोई खड़ा था जो अचानक चिल्लाकर भाग गया। इससे वो सुअर अचानक से जाग गया, क्योंकि असल में वो मरा नहीं था, इसीलिए सैम उसे फिर से गाड़ी में ले गया। तभी उसके सामने दोबारा से वही इंसान आया। ये असल में कर्की नाम की एक लड़की थी। लड़की ने बताया कि ये सुअर उसका ही है, तो सैम ने उसे गाड़ी में बैठाया और उनके घर छोड़ने निकल पड़ा। घर पहुंचकर कर्की ने सैम को कुछ खाने पीने को दिया और फिर उसे वहीं पर रात गुजारने को कहा। जल्द ही सैम कपड़े उतार कर सो गया और कर्की ने घर से बाहर निकल कर आसमान को देखा और कहा शुक्रिया। कुछ घंटों बाद जब सैम की आंख खुली तो उसके सामने कर्की का पिता गुस्ताव और जैनक्स नाम का एक लड़का खड़ा था। सैम को उनकी भाषा समझ नहीं आ रही थी और अचानक जैनक्स ने उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद उन्होंने सैम के गले में पट्टा बांधा और उसे तबेले में जंजीर से बांध दिया। जैनक्स को डर था कि कहीं कर्की सैम को पसंद न करने लगे, इसलिए उसने बिना बात सैम को पीट कर अपनी भड़ास निकाली। बाद में कर्की ने आकर सैम के लिए वो जगह साफ की, पर सैम तो अपनी पूरी जान लगाकर उन जंजीरों से आजाद होने की कोशिश कर रहा था। अब सैम कर्की के सामने गिड़गिड़ाने लगा, पर तभी गुस्ताव ने वहां आकर सैम को पीटना शुरू कर दिया। अगली सुबह जब सैम उठा तो वो बेचारा काफी दर्द में था। फिर कर्की और गुस्ताव उसके लिए दो बाल्टियां लाए, एक में उसके लिए झूठा खाना था और दूसरों में सुअरों का खाना। कर्की ने सैम को सुअरों को खाना खिलाने को कहा, जिसके बदले में उसे ढंग का खाना मिलेगा, वरना गुस्ताव उसे फिर से पीटना शुरू कर देगा। तब सैम ने गुस्से में बाल्टी फेंक दी और कहा कि मैं तुम्हारा पालतू सुअर हरगिज नहीं बनूंगा। गुस्ताव उसे मारने दौड़ा, पर कर्की ने उसे रोकते हुए कहा कि ये भूखा रहकर खुद ही सीख जाएगा। शाम को उन्होंने सैम के लिए खाना रखा, लेकिन वो उसकी पहुंच से बहुत दूर था। सैम ने उसे पैर से खींचने की कोशिश की, पर अचानक एक सुअर आकर सारा खाना खा गया। फिर अगले दिन वहां मार्क और विलियम नाम के दो आदमी आए और बेचारे सैम ने उनसे मदद मांगने की कोशिश की, पर वो तो गुस्ताव से कहने लगे कि वो सैम को खरीदना चाहते हैं। तभी जैनक्स ने आकर गुस्ताव को ऐसा करने से रोका, क्योंकि अगर सैम चला गया तो उसे खुद गुलाम बनकर रहना होगा। असल में जैनक्स मार्क का बेटा था और विलियम उसका चाचा, लेकिन वो उसे एकदम गुलामों की तरह रखते थे। आखिरकार गुस्ताव ने उसकी बात मान ली और सैम को बेचने से इनकार कर दिया। फिर रात को जैनक्स ने आकर सैम की बेड़ियां काटी और उसे आजाद कर दिया, पर तभी कर्की भी बाहर आ गई और उसने सैम को भागते हुए देख लिया। अब जैनक्स ने कर्की को रोकने की कोशिश की, पर कर्की ने साफ साफ कह दिया कि उसके दिल में जैनक्स के लिए कुछ नहीं है। बात को संभालने के लिए उसने जैनक्स को चूमने का नाटक किया और फिर सही समय देखकर उसे धक्का दे दिया। तब जैनक्स उसे पकड़कर मारने की धमकी देने लगा, तो अचानक सैम ने वापस आकर जैनक्स का गला जंजीर से कस दिया। उन दोनों की हाथापाई चल ही रही थी कि तभी एक गोली की आवाज आई। ये गोली गुस्ताव ने चलाई थी। उसने जैनक्स को वापस घर भेजा और सैम को फिर से पकड़ लिया। अगली सुबह कर्की ने सैम को जीन्स और ढंग का खाना दिया, क्योंकि उसने कर्की की जान बचाई थी। सैम ने फिर से कहा कि मैं तुम्हारा गुलाम बनकर नहीं रह सकता, तो कर्की कहने लगी कि तुमने ही तो मुझे गाड़ी में बैठाया था, और वो बेचारा मजबूरी में सुअरों को नहला कर उनकी देखभाल करने लगा। बाद में गुस्ताव ने उसे एक लंबी जंजीर से बांधा ताकि वो बाहर लकड़ी काटने जा सके। जब दरवाजा खुला तो सैम कई दिन बाद धूप में जाकर बेहद खुश हुआ, पर तभी गुस्ताव ने उसे एक सुअर को मारने का हुक्म दे दिया, जिसे वो एक पार्टी के लिए पकाने वाले थे। मगर सैम किसी को मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, इसीलिए आखिर में गुस्ताव को ही उस सुअर को मारना पड़ा। खैर, कुछ देर बाद वही सुअर सैम के पास आया जिसकी उसने जान बचाई थी, और वो सुअर उसे मम्मी मम्मी कह के बुलाने लगा। इससे बेचारा सैम इतना डर गया कि उसकी तबीयत ही खराब हो गई। फिर अगले दिन कर्की ने सैम को खुद नहलाया और समझाया कि पार्टी के दिन गुस्ताव उसे पूरे परिवार के सामने दिखाकर अपनी धौंस जमाएगा, इसीलिए सैम को साफ सुथरा दिखना होगा। इसके बाद उसे कपड़े पहनाकर टेबल पर ले जाया गया, जहां सभी लोग खाना खा रहे थे। सैम को बाकी सबके साथ खाने पीने की इजाजत थी,
लेकिन हर वक्त उसके गले में जंजीर बंधी रहती। वहीं दूसरी ओर जैनक्स को एक गंदे कुत्ते की तरह दूर कहीं बैठा दिया गया। खैर, खाने के बाद सब नाचने गाने लगे तो कर्के ने सैम को डांस के लिए बुलाया। उन्हें देखकर तो जैनक्स की और जल गई। तभी मार्क और विलियम जैनक्स को बचा खुचा खाना डालने आए तो जैनक्स ने कहा कि वो कर्के से शादी करना चाहता है और इसके बदले उन तीनों को वो तबेला भी मिल जाएगा। मगर मार्क और विलियम ने उसे धुतकारते हुए कहा कि तू बस एक कुत्ता है, समझा। फिर जैनक्स उनके कहने पर कुत्तों की तरह भौंकने लगा और तो और वो अपने पेट पे मालिश करवा के खुश भी हो रहा था। तभी अचानक गुस्ताव ने सैम को कर्के से दूर कर दिया और कहा कि अभी तुम इसके लायक नहीं हो। फिर कर्के ने सैम को वापस जाने को कहा और जब सैम लौट रहा था तो एक कुत्ता जोर जोर से उस पर भौंकने लगा। अचानक सैम भी कुत्ते की ही तरह जमीन पर बैठकर भौंकने लगा और असली कुत्ता डरकर भाग गया। इसके बाद जैनक्स झोपड़ी से बाहर निकला और वो सैम पर भौंकने लगा। तब सैम ने पीछे मुड़कर देखा कि उसकी गाड़ी पास ही खड़ी थी तो वो भागकर गाड़ी में बैठ गया, लेकिन दरवाजे में उसकी जंजीर अटक गई। खैर, उसने कुछ देर के लिए चैन की सांस ली और गाड़ी में रखी टॉफी खाई। फिर उसने गाड़ी की चाबी लगाकर गाड़ी स्टार्ट की और वाइपर से सामने का शीशा साफ होने लगा। अचानक सैम ने देखा कि कर्के उसके सामने खड़ी चिल्ला रही थी कि सैम भागने की कोशिश कर रहा है। तभी उसके पूरे परिवार ने सैम पर हमला बोल दिया और उसे खींचकर तबेले में ले आए। सैम ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि भाई मैं भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, ये जंजीर बंधी हुई है, कैसे भागूंगा। पर उनमें से किसी ने उसकी एक न सुनी और गुस्ताव उसे सबके सामने कुत्तों की तरह पीटने लगा। बेचारा सैम पूरी रात दर्द से करहाता रहा। फिर अगले दिन उसे एक छोटी जंजीर से बांधा गया ताकि वो ज्यादा हिलडुल ही ना सके। बाहर जैनक्स और एक लड़का कुछ सुअरों को ट्रक में भर रहे थे। कुछ देर बाद वही सुअर फिर से सैम के पास आया। सैम ने उसे दूर जाने को कहा पर जल्द ही सुअर ने उसे कुछ औजार ला कर दिए और उनकी मदद से सैम एक बार फिर से भाग निकला। वो चुपके से उस ट्रक में छुप गया और वो सुअर भी सैम के साथ ही आ गया। पर कुछ ही समय में ट्रक का टायर फट जाने की वजह से वो पलट गया। जैसे तैसे जैनक्स खिड़की से बाहर निकला और उसने देखा कि सैम और बाकी के सुअर तेजी से भाग रहे थे। उधर तबेले में जब कर्के को सैम के भागने की खबर मिली तो वो फूट फूट कर रोने लगी। तो गुस्ताव तुरंत ही सैम को ढूंढने निकल गया। वहीं सैम जंगल में पूरी तेजी से दौड़ रहा था लेकिन फिर वो अचानक से गड्ढे में गिरकर बेहोश हो गया। फिर रात को उसकी आंख खुली तो उसने गड्ढे से बाहर निकलने की खूब कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार वो बेचारा निराश होकर रोने लगा। फिर अगली सुबह अचानक गड्ढे में एक रस्सी आई तो सैम ने देखा कि वही सुअर उसे बचाने आया था। जल्द ही सैम रस्सी की मदद से बाहर आ गया और फिर सुअर ने उसे जंजीरें खोलने में भी मदद की। तभी चारों ओर से बाकी के सुअर भी उनके पास आ गए तो सैम ने उन्हें अपने साथ लेकर आगे बढ़ने का फैसला किया। अब ये सुअर ही उसके साथ ही थे तो सैम अपनी सारी दिल की बातें उनसे करने लगा। जल्द ही उन्हें खेत में कुछ मिला तो सुअर उसे खाने लगे लेकिन सैम उन्हें बस देख रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर अपने पिता को ढूंढने की चाह खत्म हो चुकी थी और ना ही उसके अंदर अब घर लौटने की हिम्मत थी। उधर कर्के सैम के बारे में ही सोचती रहती थी और दुआ करती थी कि सैम उसके पास वापस आ जाए। खैर, रात को जब सैम आराम कर रहा था तो उसे एहसास हुआ कि उसका एक साथ हंसने और रोने का मन कर रहा था। तभी उस सुअर ने कर्के का नाम लिया। कुछ देर सोचने के बाद सैम ने फैसला किया कि वो कर्के के पास वापस लौट जाएगा। अगली सुबह वो तबेले की ओर निकल पड़ा और सभी सुअर भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। जब वो जंगल से बाहर निकला तो सैम को गोली चलने की आवाज सुनाई दी। असल में गुस्ताव, मार्क और विलियम एक साथ सैम को ढूंढ रहे थे और जैनक्स उनका कुत्ता बनकर आया था। तब सैम खेत में छिपते छिपाते आगे बढ़ने लगा पर जल्द ही जैनक्स सूंघते हुए सैम तक आ पहुंचा। तभी गुस्ताव ने सैम के ऊपर बंदूक तान दी और उसे सारे सुअर लौटाने को कहा। सैम को पास ही में अपना वो सुअर दिखाई दिया पर उसने एक शब्द नहीं बोला। गुस्ताव ने उस पर गोली नहीं चलाई क्योंकि पहले वो अपने सुअर वापस लेना चाहता था, लेकिन अचानक जैनक्स ने बंदूक हथिया ली ताकि वो सैम पर गोली चला सके। जल्द ही चारों आदमी बंदूक के लिए लड़ने लगे और सैम मौका देखकर भाग निकला, पर अचानक उसने गोली की आवाज सुनी और वो वहीं जम गया। फिर वो तुरंत वापस लौटा और उसने देखा कि सुअर गुस्ताव के पैर का जख्म चाट रहे थे। अब सैम ने गुस्ताव को अपने कंधों पर उठाया और तबेले की ओर चल पड़ा। सैम ने उसकी जान बचाई थी इसलिए गुस्ताव उससे बहुत खुश था। वो अब उसके साथ गुलाम की तरह नहीं बल्कि एक आम इंसान की तरह बर्ताव करने लगा। फिर उसने सैम को अपनी बेटी कर्के से शादी करने की इजाजत भी दे दी। बाद में जब कर्के उसके घाव पर मरहम लगा रही थी तो गुस्ताव ने उसे वो गोली संभाल कर रखने को कहा ताकि वो मार्क और विलियम से बदला ले सके।
इसके बाद कर्के ने सैम को बताया कि उसके पिता उनकी शादी के लिए तैयार हो गए हैं और वही सुअर उन्हें दूर से देख रहा था। उस रात जब वो एक दूसरे के साथ कुछ निजी समय बिता रहे थे तो अचानक उन्हें कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी और बाहर से बहुत तेज रोशनी आई। वो दोनों भाग कर बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि तबेले में आग लग गई थी और बेचारे सुअर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। सैम तुरंत ही उन सभी को बचाने के लिए दौड़ा। तभी जैनक सामने आया और ये खुलासा हुआ कि ये आग उसने ही लगाई थी, क्योंकि वो कर्के और सैम की शादी की खबर सुनकर तिलमिला उठा था। जैनक्स कर्के को साइड में ले गया और उसे जबरदस्ती उसके साथ भागकर चलने को कहा। तभी सैम बीच में आ गया और उन दोनों में जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। सैम ने जैनक्स को नीचे पटक कर उसकी आंखों में अपने अंगूठे घुसा दिए, जिससे जैनक्स दर्द से बुरी तरह कराहने लगा। खैर, अब तक काफी सुअर आग से बचकर भाग निकले थे। इस घटना के कुछ समय बाद सैम और कर्के ने शादी कर ली। मार्क और विलियम ने उनके तबेले में हुए नुकसान की भरपाई की और गुस्ताव के साथ अपनी दुश्मनी खत्म करके एक नई शुरुआत भी। गुस्ताव अपनी बेटी की खुशी में काफी खुश था, पर उसी रात उसे हार्ट अटैक आ गया जिससे उसकी मौत हो गई। अब कर्के और सैम मिलकर तबेले की देखभाल करने लगे और जल्द ही कर्के प्रेग्नेंट हो गई। एक दिन सैम ने उस सुअर को देखा जिसने उसकी जान बचाई थी। अब वो काफी बड़ा हो चुका था। सुअर ने उसे अलविदा कहा और तबेला छोड़कर जाने लगा। ये देखकर सैम सोच में पड़ गया कि कहीं उसने यहीं रुककर गलती तो नहीं कर दी। क्या उसे यहाँ से निकलकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए थी। यहीं पर ये अजीबोगरीब कहानी खत्म होती है।